यस सो एक्चुअली पिछला वीडियो जो है उसका साइज लिमिट हो गया था, तो यहाँ तक मैंने बताया था आपको कि वाइट क्रॉस है। मुझे आपको ये बताना है कि इसके आगे कैसे करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास वापस ये ऊपर तो कोई वाइट आया नहीं है, एक वाइट यहाँ पे है। तो ये ही मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करने का। वाइट के साथ ब्लू और ऑरेंज है नीचे, और यहाँ पे भी ब्लू और ऑरेंज है, मतलब ये सही जगह पे है। तो सही जगह पे है, यहाँ पे लेके आना है। तो क्या करना है, इसे राइट घुमाना है, पहले लेफ्ट में था इसीलिए राइट घुमाएंगे, फिर इसे नीचे, फिर इसे वापस लेके आना है और इसे वापस ऊपर लेके जाना है। तो ये एक सॉल्व हो गया। अब अपने आप इधर दो दो वाइट्स आ गए हैं। तो ये वाइट का देख लेता है, यहाँ पे रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे भी रेड और ग्रीन ही है, तो इसे रोटेट करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये जो है यहाँ पे लेके आना है। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये राइट पे है तो ये लेफ्ट पे, फिर नीचे, फिर वापस राइट पे और फिर वापस ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। अभी इसका ये लेफ्ट साइड का देखेंगे तो आप देखेंगे कि रेड और ब्लू है, जबकि यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन सेंटर है। तो ये गलत पोजीशन है, ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो ये पोजीशन सही लग रहा है क्योंकि रेड और ब्लू है और यहाँ पे भी रेड और ब्लू सेंटर है। तो ये क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है तो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऊपर। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका था। अभी एक जो वाइट है ये नीचे है, बट मुझे नीचे का केस नहीं सिखाना है, मुझे सिखाना है ऊपर का केस। तो मैं ट्राई करता हूँ उसे लेके आने का ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे लेके आया ताकि मैं ये केस समझा सकूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करने का। तो मान लीजिए कि आपके ये ऊपर वाले लेयर में है, तो सबसे पहले तो उसे नीचे लेके जाना है आपको। तो ये एक काम कीजिए, जो तरफ है मान लीजिए इसे लेफ्ट में पकड़ लिया मैंने, तो एक बार ऐसे घुमाना है और फिर लास्ट लेयर को दो बार घुमा दीजिए और फिर इसे ऊपर लेके आइए। तो आप देखेंगे कि वो कहीं भी नीचे के लेयर में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया है। तो अब वो लेयर को खाली वाले के ऊपर लेके जाना है। और ये लेयर का तो आपको आता ही है कैसे करने का, आप देख सकते हैं। ये स्टेप के लिए एक बार ऐसा, एक बार इसे नीचे लाना है, फिर दो बार घुमाना है ताकि ये ऊपर आ जाए और फिर वापस इसे ऊपर लेके जाना है। और उसके बाद आपको वो पोजिशन पर लेके आना है जहाँ पे एजेस और सेंटर मैच हो जाए। और उसके बाद वो तो सिंपल रूल है जिससे आपको ये आ जाएगा। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, बट 10-15 बार प्रैक्टिस करने पे आ जाना चाहिए। थैंक यू।